नमस्कार, सिर राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी और आप देख रहे हैं देश हमारा, जहां बात देश भर की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ देश के तमाम राज्यों में देखने को मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, एक एक अपडेट आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, यूपी में तीसरे चरण का मतदान था। इस दौरान मुलायम सिंह यादव सैफई में मतदान के लिए पहुंचे। वहीं पंजाब में 117 सीटों के मतदान के लिए आज लोग घरों से बाहर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस दौरान लांबी में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल वोट देने पहुंचे। दोनों नेता अपने अपने राज्यों में सबसे धुरंधर नेता हैं। अब इनकी पार्टी को उनके बेटे संभाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अखिलेश, तो शिरोमणि अकाली दल को सुखबीर सिंह बादल। खत्म हुआ तीसरे चरण का रण। यूपी के 16 जिलों के 59 सीटों पर हुआ मतदान। ईवीएम में वोट बंद, सबके जीत के दावे। सरकार वाला ऐसी बने कि भाई पब्लिक का ध्यान देते हुए सारा काम करे, और क्या, देश की उन्नति के लिए और बस डेवलपमेंट ही होना चाहिए, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो सेफ्टी बहुत इंक्रीज हुई है और रूल्स रेगुलेशंस भी काफी चेंज हुए हैं। यूपी में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखा और शाम होते होते तक ये कायम रहा। बुजुर्ग हो या फिर पहली बार मतदान कर रहे मतदाता, या हो कोई हाई प्रोफाइल, सब कतार में दिखे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत दिया। हर पार्टी की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। केंद्र की 7 साल की उपलब्धि, राज्य की 5 साल की उपलब्धि जनता जनार्दन के बीच में मैं ले गया हूं और आगे क्या करने वाला हूं वह भी संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में ले गया। आम जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गाँव गरीब का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। इसके आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तृतीय में भी, जो तीसरा चरण है उसमें भी पहले से प्लस करेंगे। नेताओं की ओर से जीत के दावे हो रहे हैं, मतदाता मतदान कर रहे हैं, फिर भी यूपी चुनाव में इस बार ईवीएम और वोटों में गड़बड़ी और वोट नहीं देने का मुद्दा छाया है। तीसरे चरण में तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बीजेपी के करहल से उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। जाति विशेष के ही सारे गांव हैं, तो जो छुटपुट वोट है कमजोर सेक्शन का, वीकर सेक्शन का, उसको डालने नहीं दिया जा रहा है। हिंसा कर रहे हैं और बस्तर को फेंकने का काम कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं और कैप्चर करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की ओर से सुबह से ही लगातार अलग अलग जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर, तो कभी गलत पर्ची निकलने को लेकर, तो कभी ईवीएम में साइकिल सिंबल नहीं होने को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग को टैग करके ट्वीट करते रहे। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी चुनाव में मतदान की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई, जब जालौन में दुल्हा दुल्हन मतदान देने के लिए पहुंचे। ऐसी ही तस्वीर औरैया से आई, जहां एक दुल्हन वोट देने के लिए पहुंची। ललितपुर में एक 99 साल की महिला मतदान देने के लिए पहुंची, तो कानपुर में भी महिलाएं हिजाब में वोट देने पहुंची। ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है और इस महापर्व में हिस्सा लेने को लेकर इस देश के लोगों में कितना जोश है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।